हेलो फ्रेंड्स, वर्डप्रेस ट्यूटोरियल के वीडियो 4 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वर्डप्रेस में मेन्यू कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है अपीयरेंस के अंदर मेन्यूज। अब देखिए, हमने एक पहले जो मेन्यू बनाया था, इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, एक नया मेन्यू बनाते हैं। तो अब हम क्रिएट करेंगे नया मेन्यू, मेन्यू का नाम जो भी आप रखना चाहें। अब हम इसे रखेंगे मेन मेन्यू नहीं रखेंगे, सिर्फ मेन्यू रखेंगे। मेन्यू यहाँ पे करेंगे हम क्रिएट मेन्यू। सो क्या होगा कि हमारा मेन्यू क्रिएट हो जाएगा। आप देखिए, हमने जो पेजेस बनाए हैं, मतलब एक ही तो पेज बनाया हमने होम का, उसको किया ऐड टू मेन्यू। अब वो मेन्यू में आ जाएगा। अब हम जाएंगे कस्टम लिंक में, यहाँ पे टाइप करेंगे हैश। हैश की जगह पे आप जो भी URL डालेंगे वो वहाँ पे काम करेगा। फिर किया अबाउट अस को ऐड टू मेन्यू। फिर हम URL डालेंगे हैश, यहाँ पे डालेंगे आवर सर्विसेज। फिर उसे करेंगे ऐड टू मेन्यू। अब हमने तीन एलिमेंट्स ऐड कर दिए, मतलब हमारा समझिए तीन लिस्ट हो गए। अब डालेंगे आवर प्रोजेक्ट्स, तो ये मेन्यू में चौथा हो गया। अब डालेंगे लास्ट कॉन्टैक्ट अस। फिर क्लिक करेंगे ऐड टू मेन्यू। जो है हमारा जो करंट मेन मेन्यू है, वो मेन मेन्यू जो हमने पिछली बार क्रिएट किया था वो है। तो देखिए, यहाँ पे है मेन मेन्यू। लेकिन इससे क्या होगा, अगर हम इसे मेन मेन्यू मेन करके सिलेक्ट कर देंगे और सेव कर देंगे, तो अब से हमारा मेन मेन्यू ये वाला हो जाएगा जो मेन्यू हमने क्रिएट किया है। अभी देखिए, अब हम ये पुराना वाला मेन्यू, अगर हम इसे रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए वहाँ पे पांच टैब्स आने चाहिए। देखिए, ये पांचों टैब्स आ गए, और सर्विसेज आ गया, और प्रोजेक्ट्स आ गया, और ये सर्च फंक्शनल जो सर्च वाला बॉक्स है वो हमें निकालना पड़ेगा। कस्टमाइज के अंदर हेडर, हेडर के अंदर मेन्यूज। याद रखिए, हेडर के अंदर जो मेन्यू है वो, और जो कस्टमाइज के अंदर डायरेक्ट मेन्यू का ऑप्शन है वो, इन दोनों में फ़र्क है। आप इसमें कोई टेम्पलेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं थीम पैनल के अंदर जाके। तो अभी फ़िलहाल हम जाते हैं नीचे, स्क्रॉल करते हुए, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल स्क्रॉल। अभी देखिए, ये सर्च का आइकन, अब यहाँ पे डिसेबल है, हेडर रिप्लेस है, ओवरले है। तो हम क्या करेंगे, डिसेबल पे क्लिक कर देंगे एंड वो डिसेबल्ड हो जाएगा। अब वो डिस्प्ले हो गया, लेकिन हमें पब्लिश करना नहीं भूलना है। अगर हमने पब्लिश नहीं किया तो हमारा कोई भी चेंजेस साइट पर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो हम उसे पब्लिश कर देंगे। तो अगर अब हम पेज रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए अब हम जो राइट साइड में सर्च आइकन है वो चला गया, तो वो चला गया। अब मैं आप कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ मेन्यू के अंदर। जैसे अभी देखिए, इसको हम इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्ट करता हूँ तो एक चीज़ आपको बतानी है। जैसे हम कस्टम क्लास, और देखिए इसका क्लास इतना है मेन मेन्यू आइटम एंड ऑल दैट। तो अब हम जाएंगे, ये देखिए इसके ड्रॉप डाउन पे सिलेक्ट किया हमने, यहाँ पे देखिए अलग अलग ऑप्शंस है। अब हम जाएंगे स्क्रीन ऑप्शन में, यहाँ पे है क्लास CSS और लिंक टारगेट। ये सारे ऑप्शंस भी आप चेक कर सकते हैं। लिंक टारगेट क्या करेगा, आपके मेन्यू को नए टैब में ओपन करेगा। मीन जब अभी हम क्लिक करेंगे तो उसे नए टैब में ओपन करेगा। तो अभी हम लोग ऐड करते हैं, उसे क्लिक करके बाद में बताता हूँ मैं नेक्स्ट टाइम। अभी हम यहाँ पे क्लास देते हैं कस्टम CSS का क्लास। अब ये क्लास जो है हमारे मेन्यू के लिस्ट में डिस्प्ले होना चाहिए, तो तभी तो हमारा कस्टम CSS वैलिड है, वरना वो इनवैलिड हो गया। तो अब हम गए यहाँ पर, अब देखिए अब हम इसके रिफ्रेश करेंगे तो जो कस्टम CSS का क्लास है हमने दिया था, ये देखिए कस्टम CSS SHM, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। मीन्स हमारा क्लास यहाँ पर ऐड हो गया है। अब जो हमने लिंक टारगेट दिया था, अगर हम उसे चेक करते हैं और सेव करते हैं, तो जब भी हम होम मेन्यू बटन पे क्लिक करेंगे, एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, तो जब हम होम बटन पे क्लिक करेंगे तो नए टैब में ओपन होगा, कभी भी वहाँ पे ओपन नहीं होगा। तो ये इन सबों का यूज़ है। ये अभी इसे हम अनचेक कर देते हैं,
ये भी रिमूव कर देते हैं, सेव कर देते हैं, हो गया सेव, रिफ्रेश। और देखिए मोबाइल मेन्यू में मैं आपको दिखा रहा हूँ करके कि मेन्यू मोबाइल में कैसा दिखेगा। अभी देखिए उसका ऑप्शन ऐसा कुछ है, अभी इसमें भी सर्च बार है लेकिन वो हमको ऑप्शन कस्टमाइज में से अंदर जाके चेंज करना पड़ेगा। तो अब हमारा मेन्यू मोबाइल में कुछ ऐसा दिखेगा। तो वापस चलते हैं डैशबोर्ड में, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।